तो वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप 7 हॉलीवुड मूवीज जो हिंदी लैंग्वेज में डब हैं और यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल हैं। और हमेशा की तरह सारी मूवीज के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लिस्ट की सारी मूवीज की स्टोरी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और ये हमारी सीरीज का पार्ट 2 है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 7 पे है 2020 में रिलीज हुई मूवी अंडर वाटर। IMDb पे इसकी रेटिंग है 5.9/10। ये एक थ्रिलर हॉरर मूवी है जिसमें एक टीम ओशन के सर्फेस से 7 मील अंदर तक जाती है, पर वहां पे उन्हें एक मिस्टीरियस क्रिएचर मिलता है और फिर वो उससे लड़कर जिंदा बच पाते हैं या नहीं, ये आपको मूवी में देखना चाहिए। नंबर 6 पे है आई फ्रैंकस्टीन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये एक एक्शन फैंटेसी मूवी है। मूवी में स्टोरी देखोगे आप एक अच्छे मॉन्स्टर की, जिसका नाम होता है एडम्स, जिसे फ्रैंकस्टीन ने बनाया होता है। पर एडम पे पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने की जिम्मेदारी आ जाती है, और किस तरह वो डीमन से लड़कर उन्हें बचा पाता है या नहीं, ये आपको खुद देखना चाहिए। नंबर 5 पे 2013 में रिलीज हुई मूवी रेड 2, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6/10। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसमें ब्रूस विल्स मेन लीड में है, जो एक रिटायर्ड CIA एजेंट है, फिर भी वो अपने एक्शंस के साथ दुनिया को एक न्यूक्लियर वेपन से बचाते हैं। देखो, मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं खुश हूँ। तुमने महीनों से किसी को नहीं मारा है, पता है? ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव बात है। नंबर 4 पे इसी साल 7 जनवरी को रिलीज हुई मूवी बैड बॉयज फॉर लाइफ। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8/10। मूवी के मेन लीड में विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस, जो अपने जबरदस्त एक्शन और कॉमेडी से आपको 2 घंटे 4 मिनट तक बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। और अगर आपको इस लिस्ट की या फिर कोई और हॉलीवुड मूवी या वेब सीरीज डाउनलोड करनी है तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तू पागल हो गया क्या? अबे छोटा सा डेंट है, तू ठीक करवा लेना। नहीं, तू ही इसको अब ठीक कराएगा। नंबर 3 पे 2011 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसका नाम है अननोन, जिसे IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली है। मूवी में स्टोरी है मार्टिन की, जो कार एक्सीडेंट से 4 दिन बाद उठता है और फिर उसे पता चलता है कि उसकी आइडेंटिटी चुरा ली गई है, मतलब रियल वर्ल्ड में उसकी जगह पे कोई और इंसान जी रहा है। ये बात सुनने में जितनी ज्यादा अजीब लग रही है, उससे कई ज्यादा देखने में लगेगी। Doesn't exist. I am Martin Harrison. नंबर 2 पे 2011 में रिलीज हुई मूवी रियल स्टील। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.1/10। ये स्टोरी हमारे फ्यूचर की है, जब बॉक्सिंग रिंग में इंसानों के नहीं रोबोट्स की फाइट होती है, और कैसे चार्ली एक पुराने रोबोट से उसी फाइट को जीतने की कोशिश करता है। टार्स में लगे सिक्योरिटी कैमरास को ये हैक कर रहा है। ये आखिरी जगह है जहाँ तुमने शॉक को देखा था, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। ये वही है, वहाँ। रुको रुको रुको, ये नंबर, ये सब क्या है? ट्रैकिंग के लिए ये शॉक का चेहरा बना रहा है। नंबर 1 पे फास्ट एंड फ्यूरियस का 7th पार्ट, जो रिलीज हुआ था 2015 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2। अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा तो जरूर देखना, और 7th पार्ट तो आप YouTube पे फ्रीली देख सकते हो, क्योंकि इस मूवी के एक्शन सीन्स आपके होश उड़ा देने वाले हैं।